वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने वो मशहूर डायलॉग सुना होगा जी, मोना कहाँ है सोना। तो सोना बहुत सारा आ चुका है और इसकी वजह क्या है, बिकॉज हमारे होनहार रोअर्स ने एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया एंड यूड बी हैप्पी टू लर्न कि 10 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर मेडल्स और इसके साथ साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी वो जीत के आए हैं। ये क्या सिनेरियो था, व्हाट वाज द कॉम्पिटिशन ऑल अबाउट, सबसे पहले इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस टीम के दो मेंबर्स से आपकी बाकायदा मुलाकात भी कराएंगे। लेट्स टेक अ लुक। मालदीव में होने वाले दूसरे इंटर स्कूल कोस्टल रोइंग बीच स्प्रिंट रिकाटा में पाकिस्तान के रावर्स ने 10 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और एक कांसी का तमगा जीत लिया। इमिट में कराची बोट क्लब की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा दिखाया। इमिट में पाकिस्तान, मालदीव और थाईलैंड की टीमों ने हिस्सा लिया था। अंडर 15 सिंगल स्केल और डबल स्केल, अंडर 18 बॉयज और गर्ल्स, जबकि मिक्स कैटेगरीज के मुकाबले शामिल थे। पाकिस्तान में रावर्स करना आम बात नहीं और ये पहला मुकाबला है जब पाकिस्तान ने कोस्टल रोइंग बीच स्प्रिंट इवेंट में हिस्सा लिया था। अच्छा जी, जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। आई एम सो हैप्पी टू वेलकम देम। दिस इज द कराची बोट क्लब टीम। आपको बताते चलें, 12 मेंबर्स की टीम है। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी जानकर कि जेंडर बैलेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें 6 लड़कियां तकरीबन और 6 और 7 लड़के भी इसमें शामिल हैं। जिस कॉम्पिटिशन में ये गए, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इंटर स्कूल कोस्टल रोइंग बीच स्प्रिंट रिगाटा, जो कि मालदीव में अरेंज किया गया। उससे पहले आपको बताते चले कि दे ट्रेन्ड फॉर द इवेंट एट द चाइना क्रीक। इनके अपने कोच मील इनके साथ वहां पे मौजूद थे एज पर द प्रेस रिलीज। इस कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान से, मालदीव से और थाईलैंड से टीम्स पहुंची एंड वी आर सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट आवर टीम हैज डन। सबसे पहले जी आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रायान इमरान एंड हमजा नवीद। अस्सलाम वालेकुम। मेनी कंग्रेचुलेशंस, इट्स सो गुड टू नो। अच्छा, बाकी 10 लोग किधर हैं, वो क्यों नहीं आए मेरे शो पे? सब स्कूल गए हुए। अच्छा, मुझे ये बताओ, रोइंग में आप लोग माशाल्लाह 2-3 साल से यू बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड वर्किंग रियली हार्ड, विनिंग मेडल्स फॉर पाकिस्तान। रायान, रोइंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ तुम्हारा? रोइंग में, रोइंग वाज इन माय फैमिली, माय सिस्टर वाज डूइंग इट एंड इन आवर स्कूल आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड द कोच यू नो ट्राई टोल्ड मी टू यू नो आई शुड ट्राई डूइंग इट एंड आई ट्राई डूइंग इट एंड आई एंजॉयड इट। So gradually I just kept doing it and we were training and just got better. सही। And how does you know Hamza, तुम लोगों की कमराडरी कैसे बनती है? यानी जो 12 लोग होते हैं, कभी ऐसा होता है कि बोट अगर उलट जाए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो फिर आपस में लड़ने लगते हो या तुम्हारी गलती थी जिसकी वजह से ये हुआ? ये कभी कभी होता है, जैसे डबल कल बोट है या क्वाड है तो किसी पे भी जाता है मुझसे। अच्छा, ये जो कंपटीशन था ये थोड़ा मुख्तलिफ था। तुम ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बीच रोइंग भी हो रही थी एंड यू हैड नेवर डन बीच स्प्रिंटिंग बिफोर। वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट डॉन्टिंग, डर लग रहा था, नर्वसनेस थी? पहले हम पहुंचे थे तो बहुत ही फॉरेन था हमारे लिए, तो हमें डर लगा था क्योंकि जो मालदीव की टीम थी वो यूज्ड टू थी इस टाइप ऑफ रोइंग से। तो हमने प्रैक्टिस तो की 2 दिन की और फिर यूज्ड टू हो गया हम उससे। अच्छा, यहाँ पे वी वॉन्ट टू एक्नोलेज द एफर्ट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मरीन अफेयर्स। ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं एट द बोट क्लब कराची और आपको बताते चलें कि वहाँ पे यू नो व्हाट हैपेंस इज के ड्रेजिंग अभी नई हुई है। उससे पहले इफ यू एवर बीन टू द बोट क्लब कराची, देयर यूज्ड टू बी स्टेंच एंड द वाटर वॉज नॉट वेरी नाइस। लेकिन ये लोग मुझे बता रहे हैं कि अब 3 साल में सफाई काफी बेहतर हो गई है। कैसे कहते हो रायान, लेकिन कभी गिरे हो उस पानी में? कई दफा गिरे हो गए? इसलिए तो नहीं गिरे। पानी को हाथ वाथ तो कट लगता है रोइंग के वक्त, तो ऑफ कोर्स अब पानी आता है, उड़ता है, लेकिन इतना अब तो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री अब तो बहुत बेहतर हो गया एंड दे हेल्पिंग अस अ लॉट। अच्छा, जैसे तुमने खुद कहा कि पानी की क्वालिटी बेहतर है लेकिन जो गार्बेज लोग डालते हैं वो अभी भी मौजूद है, लोगों को क्या कहना चाहोगे? बिकॉज तुम्हारा जो स्पोर्ट है वो डायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम से, हमारी बायोडाइवर्सिटी से, हमारे एनवायरमेंट से लिंक करता है एंड इट्स ऑल द बेस्ट टुडे। ख्याल रखते हैं लोग? इतना ख्याल तो लोग नहीं रखते। ऑफ कोर्स कभी कभार जब पानी लो तो बहुत कचरा जाता है, बेरोइंग नहीं हो पाती। कभी कभार रेस डेज पे जब हमारे क्लब्स में रिगाटास होते हैं उसमें भी आ जाता है तो फिर डिलेड हो जाता है। तो आई थिंक लिटरिंग तो अभी बहुत है, कम हो सकती है लेकिन लोग ट्राई भी नहीं कर रहे। आई थिंक योर मैसेज इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। हमारे नौजवान जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए इस एनवायरमेंट को, इस इको सिस्टम को साजगार बनाना जरूरी है। मुझे बताओ हमजा, वॉट इज द फ्यूचर? जब हम रोइंग की बात करते हैं, अभी आप स्कूल लेवल पे कर रहे हो, इंटर स्कूल पार्टिसिपेट करते हो कॉम्पिटिशन में, यू विनिंग एज वेल,
Do you want to take it up further? Will you take it up professionally? Is Olympics or anything कोई बड़ा aim बनाया है life में? Of course, aim तो यही होता है सबका, जिनका दिल होता है इनका तो. हाँ. अगर international level पे in the Olympics for example हो जाए तो मजा तो different ही आता है उसमें. और उसके लिए कितना resource intensive है? उसके लिए किसकी support तुम्हें चाहिए होगी? Sponsors तो काफी चाहिए होंगे अभी जैसे इस trip पे भी हमें कोई sponsors नहीं मिले तो that was difficult. क्योंकि पेरेंट्स का हार्ड वर्क उसमें जाता था सारा सही सो माय विशेस के फ्यूचर में काफी स्पॉन्सर्स मिले हमें एंड वी कैन यूज देयर मनी टू बेनिफिट फ्रॉम इट दैट्स अ ब्रिलियंट विजन टू हैव मुझे बताओ कि घर वालों की कितनी सपोर्ट होती है कभी डांट पड़ती है बिकॉज योर पैशन मेक्स यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटडोर्स अभी पेंडेमिक भी गुजरा है आउटडोर से तो इतना मसला नहीं हुआ होगा लेकिन क्या कभी जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो ये सब यू नो कोकरिकुलर्स को छोड़ दो ऐसा किसी के भी पेरेंट्स को विद इन योर टीम तुम लोगों ने नोटिस किया कि कहा जाता था इतना नहीं लेकिन ऑफ कोर्स होता है पेरेंट्स को कि यू नो पढ़ाई नहीं हो रही तो आपको यू नो बैलेंस रखना होता है एक बैलेंस होता है आपका रोइंग का और स्टडीज का तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हो और टाइम टेबल आराम से बना के ऑर्गेनाइज रह सकते हो रोइंग और स्टडीज के बीच में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स से जब बात करते हो और उनको अपना विजन बताते हो और साथ साथ एक और स्टेक होल्डर इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के टीचर्स की कितनी सपोर्ट होती है टीचर्स भी अलहमदिल्ला सपोर्ट हमें करती हैं यू नो जो हमारी रेसेस देखती हैं हमसे वीडियोज़ मांगती हैं ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी कहते हैं कि वो भी सपोर्ट बहुत करते हैं वो इंटरेस्ट है उनका हमारे स्कूल का भी इंटरेस्ट है तो टीचर्स ऑफ कोर्स फिर स्कूल के साथ तो इंटरेस्ट होता है उन्हें रोइंग में तो फिर होती है आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट आई विश यू एंड द एंटायर बोट क्लब टीम ऑल द वेरी बेस्ट इंशाल्लाह आप इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहो कीप द फ्लैग फ्लाइंग हाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है रयान एंड हमजा बट इट्स अ 12 मेंबर टीम उन सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर विनिंग सो मेनी मेडल्स 10 गोल्ड मेडल्स 4 सिल्वर्स एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल एट द रिकाटा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि इसी तरह सपोर्ट अगर साथ रहेगी इफ यू नो वी कंटिन्यू ग्रूमिंग आर यंग टैलेंट दे विल गो प्लेसेस इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक वी विल बी राइट बैक